रश्मि देसाई की मॉम ने अपनी गरीबी को लेकर कही बड़ी बात। पास्ट में करना पड़ा था उन्हें कई मुसीबतों का सामना। बुरे वक्त में आखिर कैसे पाला रश्मि की मम्मी ने अपने बच्चों को। माँ के संघर्ष को देख भावुक हुई रश्मि। वेल, क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। रश्मि देसाई और उनकी माँ रसीला का अब तक का सफर काफी चैलेंजिंग रहा है। इन्हीं चैलेंजेस के बारे में रश्मि ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए बड़ा संघर्ष रहा है। रश्मि ने कहा, मेरी माँ के पास उस वक्त 350 रुपए डांस क्लास की फीस देने के लिए नहीं होते थे। रश्मि देसाई ने कहा, मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने डांस टीचर से बात की और कहा कि सिंगल मदर हूँ और मेरे पास डांस की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, आप इसे प्लीज अपनी क्लास में ले लें। मैंने भरतनाट्यम से शुरुआत की थी और थर्ड ईयर में मैं बॉलीवुड डांस सीखने लगी थी। वही रश्मि देसाई की माँ रसीला देसाई ने बताया कि उन्होंने रश्मि का नाम 3 बार बदला, पहले शिवानी, फिर दिव्या और इसके बाद उन्होंने रश्मि रखा। वो घबराती थी कि परिवार और सोसाइटी रश्मि के एक्टिंग प्रोफेशन को नहीं अपनाएंगे। रसीला देसाई कहती हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पति भी नहीं। हमारी कास्ट में ये पहली लड़की थी जिसने इस फील्ड में कदम रखा है। हमारी पूरी फैमिली काफी पढ़ी लिखी है और एक्टिंग को करियर नहीं मानती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया। मैं सोसाइटी और परिवार से डरती थी, इसलिए मैंने इसका नाम बदला, लेकिन जब मुझे अपनी बहन का साथ मिला तो मुझे हिम्मत आई। वेल, आपको कितनी इंस्पायरिंग लगी रश्मि की मम्मी की ये कहानी, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।